राजधानी दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में थाना भलसवा डेरी इलाके में चंद्रशेखर नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले एक शख्स की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने मृतक को रास्ते में रोककर इस वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से शख्स की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। वो बोल रहे थे बंदना हर एक जगह मेरे को बदमाश वो लोग लगा रखे हैं मारने के लिए हथियार लेके, तो खाली हाथ आ रहे हैं जा रहे हैं, भैया उनका तो कोई मतलब है नहीं है। ये 10-15 दिन से त्यागी के बेटा है और सब भतेरे लोग हैं। हम नाम तो भतेरे लोग के जानता हूँ नहीं भाई, सब ना हम जानता हूँ ना पहचानता हूँ इसमें कौन कौन है, ठीक ना। ये आ रहे हैं जा रहे हैं साथ में, आज निधड़क अकेले ही आए हैं, आ रहे हैं वो मस्जिद वाला गली में, ये कोने पर खड़े थे, वो आ रहे हैं ड्यूटी करके अपने फैक्ट्री से, और ये लोग ऑफिस मैं ऑफिस के साइड फिर ऑफिस में गए, फिर फैक्ट्री से आके और अपने गाड़ी जैसे घुमा रहे, तले उनको गेट पर से बाहर निकाल के गोली मारे हैं। वहीं इस घटना के महज कुछ घंटों बाद विशाल नाम के नाबालिग छात्र की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें मृतक विशाल के घर में 21 जून को बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। हमारी लड़की की शादी थी, मैं भाई के घर पे गया था, तो मेरे साथ थोड़ा आगे पीछे से एक दो लड़का आया, उसने बोला कि भाई तुम्हारी लड़के वहाँ पर में गिरे पड़े हुए है, जाकर के देखो क्या बात है। दोनों ही वारदातों में हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, लेकिन एक ही एरिया में दो अलग अलग हत्याओं के बाद पूरे एरिया में डर का माहौल है। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में भलसवा डेरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से अनिल अत्री के साथ नैना शर्मा, नवोदय टाइम।